छठ के संध्या अर्घ के देर शाम बेनीपट्टी के महमदपुर पुल पर भीषण बाइक दुर्घटना में हुई दो युवकों की मौत के बाद गांव में चीख पुकार मची हुई है। सोमवार की सुबह मृतक युवकों के शव के पहुंचते ही पूरा गांव मातमी चित्कार से गमगीन हो गया। मृतक के परिजन शव को देखते ही एक एक कर बेहोश होते रहे। मृतक की पत्नी, भाई, माता पिता सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंच सभी के जुबान पर इसी घटना की चर्चा थी। सभी यही कह रहे थे कि छठी मैया की पूजा में क्या चूक हुई कि दोनों का परिवार उजर गया। इस बीच मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मृतक युवक दोस्त थे, जो कि गांव से बाहर हैदराबाद में रहकर फर्नीचर का काम करते थे। छठ को लेकर ही 16 तारीख को इनका गांव आना हुआ था। वह छठ की सुबह अर्घ वाले दिन यानी आज सोमवार को हैदराबाद लौटने का टिकट भी कटवा रखा था, लेकिन इसी बीच विधि का विधान दोनों की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। मृतक में शामिल 25 वर्षीय कन्हैया शर्मा, जो कि लदौत गांव के चंदेश्वर शर्मा का पुत्र था, जो कि तीन भाइयों में माझिल पुत्र था, जिसकी शादी के कम ही दिन हुए थे, उसे एक 9 माह की पुत्री भी है, जिसे गोद में लिए मृतक के पिता चंदेश्वर शर्मा घटना के बारे में बताते हुए भावुक हो गए। वहीं मृतक में उसी गांव के नंदू राय के पुत्र 32 वर्षीय अरुण राय भी नागपुर में फर्नीचर का काम करता था। दोनों की एक साथ सड़क दुर्घटना में मृत्यु से गांव में छठ का माहौल गम में तब्दील हो गया। मृतक अरुण राय के 4 बच्चे भी हैं, जिनमें 3 लड़की व 1 लड़का है। सभी नाबालिग हैं, जिनके सिर से पिता का साया छिन गया। दोनों के परिवार के सामने अब बड़ी संकट खड़ी हो गई है। घटना को लेकर लोगों ने बताया कि सभी एक बाइक पर सवार होकर पटाखा लाने बेनीपट्टी जा रहे थे, इसी क्रम में हादसा हो गया। इधर जानकारी के अनुसार कन्हैया ठाकुर अपने बाइक पर 2 अन्य को सवार कर महमदपुर की ओर से बेनीपट्टी की ओर आ रहा था। सड़क सूना होने के कारण बाइक काफी तेज रफ्तार में थी, जिसे पुल के नजदीक बाइक चालक संभाल नहीं पाया और रेलिंग और पिलर में ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवक की जान मौके पर ही निकल गई। बाइक पुल के नीचे करीब 20 फीट उड़ते हुए नीचे गिरा। बाइक के परखच्चे उड़ गए थे। तेज आवाज पर नीचे अर्घ्य निगरानी में खड़े महमदपुर के लोग दौड़ पड़े। इस दौरान उसी रास्ते से घर जा रहे मनपौर पंचायत के मुखिया अमरिंद्र मिश्र सुगन ने दुर्घटना की सूचना बेनीपट्टी पुलिस को दी और जख्मी को इलाज के लिए भिजवाने में जुट गए। सभी को प्रशासन की मौजूदगी में आनंद फानन में बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहाँ लाते ही 3 में 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। वही 1 युवक घायल था, जिसकी पहचान लदौत गाँव के ही गौरी मुखिया के रूप में हुई। उधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही अलर्ट बेनीपट्टी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर बाइक को सुरक्षित रखकर यातायात को चालू करा जख्मी और मृतक की पहचान में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि बाइक पर सवार लोग बाइक पर झूमते हुए नजर आ रहे थे। वह बाइक काफी तेज थी, जिसके कारण बाइक पिलर से टकरा गई, जिसमें 2 की मौत मौके पर ही हो गई। इधर छठ पूजा के बीच गाँव के 2 युवकों की मौत से गाँव का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो चुका है। आय के चले टिकट होकर, हाँ, दोनों आदमी के चले टिकट जाके आपिस, एगो चले बॉम्बे आ एगो चले नागपुर रहे चले। छठ में आयल चले 4 दिन पहले आयल चले, माने कि 16 तारीख के आयल रहे हैं। घटना की जानकारी केना भेटले? नया ई केलकिया कोई कॉल केलकिया तो पता लगले, तो हम सब गेलिए एतय से सब आदमी। चाचा के भाई लड़का छले, तो भाई ये भेले। ये लोग मार्केट जा रहे थे फटाका लाने के लिए, उसी बीच जो है एक्सीडेंट हो गया महमदपुर पुला के नज़दीक। उस पुला में ठोकर लगने से 2 आदमी स्पॉट खत्म हो गए, 1 आदमी घायल है जो अभी भी हॉस्पिटल गए हैं इलाज करवाने के लिए। जो मृतक है वो लोग मतलब विवाहित थे या अविवाहित? नहीं, विवाहित थे। एक जन का 4 बच्चा था, जो 3 लड़की और 1 छोटा सा लड़का था। जखनी जाए गए ना शाम में, तो ये सब कहल कि मतलब पटाखा लाबा जाए बेनीपट्टी, तो मार्केट गया। अब इधर से जाने टाइम में अब उसको क्या कैसे हादसा हो गया वो हम लोग तो बाद में पता चला। तीनों आदमी एक ही बाइक पर? जी जी। इसमें 2 युवक जो मृत हैं, दोनों विवाहित थे? दोनों विवाहित थे। दोनों के 4 बच्चे? जी जी। अरुण कुमार राय जो है उसको 4 बच्चे है, 3 लड़की 1 लड़का। परिवार में पूरी तरह से? जी जी जी। और कन्हैया ठाकुर का 1 लड़की है साल भर का। बस गांव में ही रह कर काम? नहीं नहीं, ये सब पूजा करने आए थे गांव में अभी। पूजा के लिए स्पेशली गांव आया? हाँ जी। कितने दिन पहले आया था? 2-3 दिन हुआ था, इसलिए दोनों को आए। 4 रोज हो गया आया हुआ। छठ में ही आया था? जी जी। कहाँ थे ये लोग? नागपुर। नागपुर रहते हैं परिवार के साथ? जी। अरुण कुमार राय जो है ना, तो पूरा ऑल फैमिली के साथ वो नागपुर रहता था।
पार्टी के सामान सब लाब जात रहे बुझलिए सजा लाबे जो पोल फूला है धो दे टेर ने मार देल के तीन वे के मोटरसाइकिल पर है ना हां हां तीन क्या बाल बच्चा विवाह भ गए छले दोनों के एकरा एगो बेटी है ओकरा तीन गो बेटी है चार गो बेटी है चार गो बेटी है एगो बेटा है एते टाके सब बाहर रह छले बाहर रह छले आइए के छले टीटे अहां के बचबा छल के जिनका दुर्घटना जी सर जी केना पता लागल केना भेले घटना वो हमरा सब घाट पर है सर नहीं मालूम भेल आबो हमर शोर भेले ना बात भेले तब हम सब जानकार भेल ताले थाना का आदमी उठा के लगे लेते बाहर पर नौकरी करी छले जी तो छठ में आल चले घर पर जी सर पता लगले आइए जाओ के टिकट चले जी आइए भोर में जाइते सर 8 बजे क्याटा बाल बच्चा चले एक टा लड़की छे एक टा डेट को गेले पहले भेल छे दू गो बच्चा छले भेल तो एक टा छे एक टा पहले शुरू में डेट भ गेले आ के भाई जी छले हां छोट भाई भाई छले महाजिल भाई केना की भेले केना तो सुन यो हम छले दरभंगा गेल ससुरार गेल छले हम तो हम 11 बजे रात में एबे केले तो हमरा पता लागल हमर भाई डेट को गल हां भाई के बारे में मालूम चलो हमर भाई डेट को गल तबे हम फेन शुभम गेली मधुबनी मधुबनी से आला भी हां भाई और हमरा ई चीज के आगे कोनो जानकारी नहीं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।